जमीनों पर प्लॉटिंग किए जाने की शिकायत को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिला अधिकारी के ना मिलने पर ग्रामीणों ने तहसील सभादान दिवस में पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कृष्ण गौड़े से मुलाकात की और बताया कि ग्राम सभा की 2.5 एकड़ जमीन को चिन्हित कर ग्राम सभा के लिए उपयोग में लाया जाए। उनका आरोप था कि ग्राम प्रधान द्वारा भूमि पर बाउंड्री कराया जा रहा है। वहीं लेखपाल ने मौके पर जाकर पैमाइश भी नहीं की है और शिकायत करने पर वह टाल मटोल कर रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण पंकज पासवान ने बताया, उरचौरी में वहाँ पे जो है 17.5 एकड़ का चक है। उस चक के अंदर हमारे ग्राम सभा की जमीन है 2.5 एकड़। उस आबादी के लिए हम लोग जो है यहाँ पाए हुए हैं और आज से 4 दिन पहले जो है 3-4 दिन पहले हम लोग DM साहब के कार्यालय भी गया था। वहाँ से जो है बताया गया कि जो आपकी सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ जब लेखपाल से बात हुई तो लेखपाल कहते हैं कि हम अभी पैमाइश नहीं कर पाएंगे, 4 से 5 दिन नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको 15-20 दिन में होगा। और चूंकि हमको जो है शनिवार का जो है डेट दिया गया था आज की डेट पे कि पैमाइश होगी और हुआ नहीं। आज हम तहसील दिवस पर आए हुए हैं इसी सूचना को लेकर कि जो हमारी जो वहाँ की जो संपत्ति है ग्राम सभा की, उस पर जो कार्य हो रहा है उसको रुकवा दिया जाए, बाउंड्री वाल निर्माण कार्य को रुकवाया जाए। और जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र पासवान जी और उनके सहयोगी बच्चा पांडे जी, ये लोग जो वहाँ पे जो है खड़ा होकर जो उस बाउंड्री को करवा रहे हैं।